हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस ऑनलाइन मेडिसिन में, जहां पे आपको मिलती है दवाइयों के बारे में सही और संपूर्ण जानकारी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कान बहने के बारे में। कान क्यों बहता है, इसके सिम्टम्स क्या है और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। संपूर्ण जानकारी लेने के लिए वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, कान बहना एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ईयर से मवाद युक्त अथवा पतला लिक्विड बहता है, जो कि रेगुलर होता रहता है। आइए जानते हैं कान क्यों बहता है। जैसे किसी चोट के कारण, साइनस के कारण, किसी इन्फेक्शस कंडीशन के कारण जैसे काली खांसी या कुकुर खांसी के कारण, खसरे के कारण, स्कारलेट फीवर के कारण, लेरिंजाइटिस के कारण, फेरिंजाइटिस के कारण, गले की गिल्टी के कारण और कॉमन कोल्ड के कारण ऐसी कंडीशन हो सकती है। आगे बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो जैसे कान में सीवर पेन होना, पस लाइक लिक्विड बहना, हैवीनेस और इन्फ्लामेशन ऑफ ईयर और फीवर हो सकता है। अगर किसी चोट के कारण कान बहता हो तो डिस्चार्ज ब्लड मिक्सिड हो सकता है। आगे बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही मेडिसिन से रिलेटेड जानकारी आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। बात करते हैं कान बहने के ट्रीटमेंट के बारे में। तो जैसे कान को अच्छे ईयर डब्स से क्लीन करना चाहिए। क्लीन करते वक्त ध्यान रखें कि किसी प्रकार की इंजरी ना हो। इसके साथ मॉक्सिक्लीन 500 mg कैप्सूल अथवा सिप्रोफ्लॉक्सोसिन 500 mg टेबलेट, इन दोनों में से कोई भी एक सुबह शाम 5 दिनों तक लीजिए, और साथ ही ईयर ड्रॉप्स सिप्रोफ्लॉक्सोसिन 2-2 बूंद सुबह, दोपहर और शाम को कान में डालिए। और यदि कान में पेन हो तो पेन किलर के तौर पर टेबलेट डाइनापर यानी डाइक्लोफेनाक एंड पैरासिटामोल 1-1 गोली सुबह शाम ले सकते हो। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो या डिस्चार्ज कम ना हो तो इंजेक्शन सेफ्ट्रियोक्सिन शिरा मार्ग से लगाया जा सकता है, और अगर इसके बाद भी रिलीफ ना मिले तो ईएनटी सर्जन को दिखा लेना चाहिए। और यदि जो मेडिसिन इस वीडियो में मैंने बताई है उनसे कोई एलर्जिक हो तो उन्हें वो दवा नहीं लेनी चाहिए, और अगर किसी को कोई साइड इफेक्ट दिखे तो तुरंत ही मेडिसिन का प्रयोग बंद कर दें और अपने डॉक्टर से संपर्क कर लें, जिससे कि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, और यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि यह जानकारी किसी और के भी काम आ सके। और यदि आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या शंका हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।